ये रास्ता दिखा रहा है बाइक लेके जाते ना पानी से। तो आप लोग सामने देखो, ये है दूध सागर वाटरफॉल। वो ना व्हाइट कलर जैसे कि लग रहा है दूध ही गिर रहा है ऊपर से। वीडियो में तो इतना नहीं दिखता होगा, पर सामने सामने मैं इसको देख पा रहा हूँ। चलिए सफर शुरू करते हैं। क्या बता रहा हूँ, आगे ट्रैफिक है अभी ये एरो का मतलब है, समझ रहे नीचे आ रहे हैं। टर्न लेफ्ट टू स्टे ऑन नेशनल हाईवे 66। नेशनल हाईवे 66 से लेफ्ट है क्या? होटल से 1.5-2 घंटे का सफ़र करने के बाद हमको लगा कि पहुंच गए दूधसागर वाटरफॉल के नज़दीक, पर बाद में पता चला ये इतना लंबा सफ़र सिर्फ टिकट काउंटर तक का ही था, क्योंकि वाटरफॉल देखने के लिए और 1 घंटे का सफ़र करना पड़ा, वो भी 925 रुपीज़ पे करने के बाद। 925 रुपीज़ कैसे भैया? तो भैया ऐसे, 265 पर पर्सन फॉर GST एसोसिएशन चार्ज एंड लाइफ जैकेट, 560 पर पर्सन जीप से जाने के लिए क्योंकि पर्सनल व्हीकल तो अलाउड नहीं है यहाँ पर, 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉरेस्ट में एंट्री करने के लिए। तो अभी 925 पे तो किया दूधसागर वाटरफॉल देखने के लिए, तो चलो देखते हैं फॉरेस्ट कैसा है और दूधसागर भी। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down गाइज। अभी आप लोगों ने देखा कि सफ़र कैसा है यहाँ पर। एक्चुअली अभी हम लोग दूधसागर वाटरफॉल में जस्ट पहुँचे। यहाँ पर टिकट का प्राइस है 925 रुपीज़ पर पर्सन, और आपको यहाँ पर लाइफ जैकेट मिलेगा। लाइफ जैकेट चलो 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 आगे। तो आप लोग सामने देखो, ये है दूधसागर वाटरफॉल। बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के, एक्चुअली सामने से बहुत सही है, काफ़ी ऊंचाई से बह रहा है ये। फोटो लेंगे मैं, काफी ऊंचाई से बह रहा है ये वाटरफॉल। इतना व्हाइट कलर जैसे कि लग रहा है दूध ही गिर रहा है ऊपर से। वीडियो में तो इतना नहीं दिखता होगा, पर सामने सामने मैं इसको देख पा रहा हूँ।
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down ना सेल्फी है। दूध सागर पीछे फॉल का ले तो फॉल दूध सागर हाजी नदी के सर पे मेरे सर पे दूध सागर कैसा था एक्सपीरियंस भाई? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब जा रहे वापस, मस्त स्विमिंग किया, एंजॉय किया। और ये लाइफ जैकेट के वजह से आप वहाँ पे डूब नहीं सकते, याद रखिए। खुद पर भरोसा होना हो, इस पर भरोसा जरूर होना चाहिए। यस, अगर इस पर भरोसा नहीं होगा तो आप डूब जाओगे। करेक्ट है, ये जो मेरा दोस्त है वो एकदम सही सही बोलता है। वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है, जो कुछ बताता है वो एक्सपीरियंस से बताता है, बिना एक्सपीरियंस के नहीं बताता। बताओ अभी। एक्चुअली अभी मेरा दोस्त है, उसको इस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाया। उसको लग रहा था वो डूब रहा है, पर एक्चुअली नहीं डूब रहा था। हाँ, एक्चुअली मैं नहीं डूब रहा था, उसको लग रहा था कि वो डूब रहा है, इमेजिनरी डूब रहा था। यस, समझ रहे हैं? तो इंसान का जो दिमाग है ना, वो डुबो देता है। लेकिन ये लाइफ जैकेट नहीं डूबा था। लाइफ जैकेट क्या ऐड कर रहा लग रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने लाइफ जैकेट के बारे में? जैकेट है, जैकेट है, मस्त फोटो खींचा है, मस्त है ना। थैंक यू। चलो ना सालो, चलो मुकेश। और ये मेरा दोस्त मुकेश है, इसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ, इधर मिले तो मजा दे। है मेरे लिए ऐसा दिख रहा है। हाँ, ये इधर से दिख रहा है, इधर से वो दिख रहा है। देख मुकेश, आ जा मुकेश। या मुकेश के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ए तू, तेरे लिए नहीं ढूंढ रहे, बाजू हट। और मुकेश शर्मा के आगे चला गया। एक्चुअली वो मुकेश गुप्ता है, लेकिन वो शर्मा था बहुत है। अच्छा वो अच्छा वो मुकेश पाल है, लेकिन वो शर्मा था है, लेकिन हम उसे शर्मा नहीं बुलाते, उसे हम पाल ही बुलाते। क्यों पाल? पाल हम उसको पल पल पाल बुलाते पल पल पाल बुलाते हैं हम उसको। और आप देख रहे हैं किस मुसीबतों से गुजरते हुए हम यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं। इसी मुसीबतों को पार करके हम गए थे दूध सागर वाटरफॉल। क्यों आकाश, क्या कहना चाहते हो इस चीज़ पे? एक्सपीरियंस तो अनबिलीवेबल था, क्या कहूँ। वो दूध सागर तक पहुँचने के लिए इतनी फट रही थी, आगे और जाके उसको टच करके आए। एक्चुअली ये फैमिली भी देख सकती है बैठ के, तो आप थोड़े सभ्य वर्ड्स यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों दिनेश? एब्सोल्युटली, बस एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। ये देखिए पेड़
सुंदर ही सुंदर इधर घर बना सकते वरुण फक्त हे टाकायचं वरुण फक्त हे टाकायचं काय टाकायचं ताडपत्र रिटर्न आकाश यस अच्छा लगा घर जाके थोड़ा रेस्ट करना है मस्त बहुत थक गए सफर बहुत लंबा था ये सफारी इससे हम सफर करके आए कौन सी सफारी ये सफारी 15 मिनट इस गाड़ी से बराबर परफेक्ट क्या बोल रहे पूजा 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 तो हाय गाइस गुड आफ्टरनून और आज है पांचवा दिन हमारा गोवा में तो यहाँ पर अभी हम लोग बोटिंग करने वाले हैं और उसके बाद प्लान किया है शाम का बटरफ्लाई बीच पे जाने का तो सबसे पहले